नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। ये रिक्रूटमेंट दोस्तों आ रही है मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, लेकिन सभी भारतीय इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 5 सितंबर है, 22 जुलाई को जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो मेघालय के, उनमें जो है आपको जॉब मिलेगी। एक तरह की परमानेंट जॉब होगी, कुछ में जो है वो प्रोबेशन पीरियड रखा गया है लेकिन कुछ में जो है वो नहीं रखा गया है, तो ये आपको खुद भी आगे चेक करना पड़ेगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जॉब अपडेट जो है आपको मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक करके बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों जो एज लिमिट रखी गई है, ज़्यादातर जॉब्स में एज लिमिट जो है वो 18 से लेके 27 साल तक जो है वो रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेघालय स्टेट से आते हैं। अगर बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनरल कास्ट में ही जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली जो जॉब है वो है मेघालय एग्रीकल्चर सर्विसेज की तरफ से, जिसमें अगर आपने बीएससी करी है एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर में तो आप आवेदन कर सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए दोस्तों अगर आपने डिग्री करी है बीई बीटेक एग्रीकल्चर में, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप सब डिवीजन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन सिविल में अगर आपने करी हुई है तो आवेदन कर सकते हैं, इससे संबंधित कुछ है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए दोस्तों सिविल जो है वो मांगा गया। अगर आपने ग्रेजुएट हैं आप सिविल में तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन विजिट करना मत भूलेगा। उसके बाद दोस्तों जूनियर ड्यूटी पोस्ट के लिए, यहाँ पे जूनियर स्टाफ ऑफिसर और डिप्टी कंट्रोलर के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। ये प्रोबेशन पीरियड पर रहेगी 2 साल के लिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है किसी भी स्ट्रीम में आप आवेदन कर सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसके लिए भी अगर आपने जो है वो ग्रेजुएशन करी हुई है मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, या आपने इकोनॉमिक्स में करी हुई है तो आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप बात करें असिस्टेंट अंडर जो डॉक्टरेट के आता है वेनेटरी मेघालय शिलोंग में जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, तो अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है मैथमेटिक्स में या इकोनॉमिक्स में तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों अगर आपके पास जो है वो डिप्लोमा है सिविल का, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का, तो आप इन तीन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर जो है ग्रेड 1 की पोस्ट रहने वाली है। बाकी दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है आर्ट्स में, साथ में बीएड है, तो आप असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लाइफ साइंस में कुछ है, बीएड डिग्री करी हुई है, ग्रेजुएट हैं साइंस में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट टीचर की जॉब के लिए, जिसमें आपकी जो जॉब है वो गवर्नमेंट कैंटी स्कूल जो होते हैं वहाँ पे जो है वो रहने वाली है। इसी तरह दोस्तों डिप्लोमा अगर करा हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का, एग्रीकल्चर का, या आपने ग्रेजुएशन करी है किसी स्ट्रीम में, आप तब भी यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट दिख जाएंगे, तो ये आपको खुद भी आके चेक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि एप्लीकेशन फीस जो है वो क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों पोस्ट के जो है वो नाम बताए गए हैं, ये देखिए जैसे 23, 24, 25, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर रखा गया है। 460 रुपये रखी गई है अगर आप जो है वो 1 से लेकर 9 तक अप्लाई कर रहे हैं, और बाकियों के लिए 350, 320। बाकी अगर आप जो है बात करें फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन की, तो उनको किसी भी तरह की फीस नहीं देनी है, उनको फ्री में जो है आवेदन करना है। बाकी SC ST के लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है, आप यहाँ पे आके एक बार देख लीजिएगा। एप्लीकेशन दोस्तों ऑनलाइन मोड से आपको आवेदन करना है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे यहाँ पे लिंक दिए गए हैं। 5 सितंबर लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है। रिटर्न एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसी के थ्रू आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफी का टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप जो है किसी हार्ड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। बाकी सब्जेक्ट की डिटेल आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो दोनों लिंक अप्लाई ऑनलाइन का भी और नोटिफिकेशन का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐसे दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ।